हेलो गाइस गुड मॉर्निंग माई सेल्फ उदयवीर सिंह ये मेरा यूट्यूब चैनल है जैसे आप लोग जानते होंगे जस्ट साइंस एट द रेट यू बी एस अभी जैसे हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एलईडी के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जैसे हम रजिस्टर्स पढ़ते हैं आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे पैरल कॉम्बिनेशन जैसे रजिस्टर्स का हम पढ़ते हैं हाई स्कूल से में भी है बोर्ड में उसमें क्या है अब जैसे आप जानते हैं अब हम पहले आपको मटेरियल दिखा देते हैं जैसे ये एक कनेक्टर है जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया ये दो बैटरी लिए हैं एक हमने वन वे स्विच लिया है और दो तो एलईडी लिए हैं इनको सबको हम कनेक्ट करेंगे अब जैसे हम दिखा रहे सर्किट बना रहे जैसे हमने क्या किया एक रजिस्टर ये जोड़ दिया या एक काम करते हैं दूसरा बनाते हैं सर्किट ये देखो एक रजिस्टर ये दूसरा रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया अब हमने क्या किया यहाँ बैटरी लगा दी एक प्लस माइनस और यहाँ पर एक की लगा दी वी वोल्ट की बैटरी ये की या स्विच जिसको कहते हैं आप स्विच लिख, लिख लीजिए अब यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट आई था यहाँ पे आई वन हो जाएगा यहाँ पे आई टू हो जाएगा यानी कि जब भी करंट बैटरी से सप्लाई के बाद रजिस्टर्स में बढ़ जाता है डिवाइड हो जाता है यानी करंट यहाँ से आने के बाद दोनों में जब डिवाइड हो गया अलग अलग करंट फ्लो हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है अब इसकी जगह हम चेक करने के लिए कि हाँ ये एक्चुअल में काम करते हो उसके लिए तो हमें मिल, मिलीमीटर एक आता है उससे हम चेक करें कि हाँ कितना रजिस्टर्स इन रजिस्टर्स के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है तो उस लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे कि हम कितना करंट या कितना रजिस्टर्स के थ्रू फ्लो हो रहा है अब हम सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे जिसके लिए हमने क्या किया इन सारे जो आइटम अभी हमने दिखाए थे सेल है बैटरी है स्विच है और एल हैं इनको एक कॉम्बिनेशन में इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं जोड़ लिया जैसे ये बैटरी हो गई तो वो एक कनेक्शन सेटअप हमने बनाया है देखिए आप लोग ये एक बैटरी ले ली ये दो रजिस्टर्स की जगह हमने एलईडी ले लिए और एक स्विच -एक ले लिया और सब पहले से कनेक्टेड हैं मतलब हमने कनेक्शन कर रखा है कि टाइम शॉर्टेज के हिसाब से अब हमने क्या किया जैसे ही हम बैटरी इसमें लगाएंगे हमने बैटरी इंस्टॉल करी उसके बाद जैसे ही अब हम स्विच ऑन करेंगे तो हम क्या देखेंगे दोनों एल वर्क कर रहे हैं और ये किस कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि जो इसके अक्रॉस करंट है वो अलग है इसके अक्रॉस करंट अलग है अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था लास्ट टाइम पे कि करंट जो है दोनों एल में सेम थी इसलिए ये एल बैटरी की पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था जबकि यहाँ अलग अलग है तो एल ऑन है तो इसको कहते हैं पैरल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर संयोजन एलईडीज़ का जैसे हम रजिस्टर्स में करते हैं समांतर क्रम संयोजन ये भी ओम के नियम पे ही लागू है ओम के नियम को फॉलो करता है ओम स्लो को V बराबर आई आर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जहां बी वोल्टेज है I धारा है विद्युत धारा और R प्रतिरोध लेकिन हम प्रतिरोध यहां यूज नहीं कर रहे हैं हम ये वाले रजिस्टर्स जो आपने देखे होंगे बहुत सारे डिवाइसों में लगे रहते हैं इनको कहते हैं प्रतिरोध ये बन के का है इसका रेजिस्टेंस निकालने का एक अलग तरीका होता है कलर कोडिंग होती है उसके हिसाब से इनकी क्षमता कैपेसिटी पता चलती है कितने ओम का है ये वन के का है फिलहाल हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए लेकिन बाद में निकालना सीखेंगे किसी वीडियो में सो so, अब हमने प्रतिरोध की जगह हमने एल ले लिया एल वन एल ई डी एल टू उस हिसाब से हमने इसको आपको शो किया है सो गाइज़ इफ़ यू लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू